हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले सभी को जय माता जी, जय श्री कृष्ण और महादेव हर टू ऑल। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। और आप में से कई सारे लोग मुझे पहचानते ही होंगे, और जो लोग नहीं पहचानते हैं उन लोगों को पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है धवल अकबरी और मैं जूनागढ़ जिले के पास के गाँव है वहाँ पर रहता हूँ। और जो लोग मुझे पहचानते हैं वो कैसे पहचानते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारा एक और चैनल है जो कि हमारा मेन चैनल है, उसका नाम है विलेज लाइफ विद प्रज्ञा। उस पर मैं और मेरी पत्नी दोनों डेली ब्लॉग शूट करते हैं और अपलोड भी करते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है उन चैनल का, तो आप देख सकते हो, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ख़ास तो ये चैनल नया स्टार्ट किया है, नया तो नहीं बोल सकते क्योंकि कोरोना का जब टाइम चल रहा था उसी टाइम हमने ये चैनल स्टार्ट किया था। पर इस चैनल पर हम लोग फूड के वीडियो अपलोड करते थे, पर आप लोगों को तो पता ही है कि कोरोना के टाइम पर लॉकडाउन आ गया था, तो फूड की सीरीज कंटिन्यू करनी हमारे लिए पॉसिबल नहीं थी। तो उसी टाइम हमने दूसरा चैनल ओपन कर दिया और उसमें डेली रूटीन दिखाने लगे। तो उस चैनल पर आप सभी लोगों ने हमें बहुत बढ़िया प्यार दिया और अभी उस चैनल पर 40,000 के सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो सभी को दिल से शुक्रिया। और बस इसी तरह आप इस चैनल पर भी सपोर्ट कीजिए और आप सभी का प्रेम इसी तरह बरकरार रखिए इस चैनल पर, क्योंकि उस चैनल पर कई सारे लोग ऐसे कमेंट किया करते थे कि धवल भाई आप हिंदी में ब्लॉग बनाइए क्योंकि आपकी हिंदी हमें सुनने में अच्छी लगती है। क्योंकि जो हमारा मेन चैनल है उस पर हमने 2 या 3 वीडियो हिंदी में अपलोड किए हुए हैं, तो उसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि ये नया चैनल चालू कर दे और उसमें हम हिंदी में ब्लॉग शूट करते हैं और अपलोड भी करेंगे। तो अभी देखते हैं, ये तो फिलहाल हमारा फर्स्ट ब्लॉग है हमारा, मीन्स कि अभी तो मैं ही अकेला ही हूँ क्योंकि मैं अभी हूँ वेरावल, जो कि मेरा जॉब प्लेस है, और वेरावल की चौपाटी के पास खड़ा हूँ और ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। आप लोग मेरे पीछे देख ही सकते होगे कि समुद्र है, और शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ से ज़्यादा समुद्र की लहरों की आवाज़ और तेज़ हवा की आवाज़ आ रही होगी। तो ये चला लेना क्योंकि मेरे पास अभी माइक नहीं है साथ में। एक और बात, इस चैनल पर हम पॉसिबल हो गए तो डेली ब्लॉग ही शूट करके डालेंगे, पर अभी तो फिलहाल हफ्ते में 1 या 2 ब्लॉग ही आएंगे हिंदी में, क्योंकि पहली हमारी जो मेन चैनल है उस पर भी काम करना पड़ेगा और इस चैनल पर भी काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी टाइम की थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इस चैनल पर तो आपको हफ्ते में 1 ब्लॉग तो शायद मिल ही जाएगा, पर उस चैनल पर जो विलेज लाइफ विद प्रज्ञा चैनल है वहाँ पर आप लोगों को डेली ब्लॉग तो मिलते ही रहेंगे। तो अभी मैं एक बार फिर से कह देता हूँ, हमारी उस चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, अगर आप लोगों ने विजिट नहीं की है तो आप चौक्स विजिट करें और वहाँ पर हमारा ब्लॉग देखें। अभी फ़िलहाल मैं आपको वेरावल की जो चौपाटी है वो दिखाता हूँ। तो अभी तो यहाँ पर बहुत सारी लोन बारिश के मौसम में लोन सभी साफ करती है और वैसे ही पड़ा है ये। और वो जो सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, वो है चौपाटी का लाइट हाउस। देखो अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये है लाइट हाउस। और वहाँ पर सारे सब लोग सवेरे जब आप जल्दी अर्ली मॉर्निंग आएंगे तो क्रिकेट खेल रहे होंगे, वो सब जॉगिंग कर रहे होंगे ऐसा है। और ये जो झुपड़िया टाइप देख रहे हो वहाँ पर आराम से आप लोग बैठ भी सकते हो। और बाद में तो ये सामने दिखाई दे रहा है आप लोगों को समुंदर, देखो कैसे उछल रहा है जोर जोर से, क्योंकि बारिश का करंट जो बोलते हैं ना वो अभी इसमें दिखाई दे रहा है, इसीलिए शायद मेरी आवाज़ से ज़्यादा आप लोगों को तेज पवन की आवाज़ आएगी। तो कुछ इस तरह की है ये वेरावल की चौपाटी। देखो आप लोगों को घर पर बैठे ही वेरावल की चौपाटी दिखा रहा हूँ, वो सारे गवर्नमेंट के क्वार्टर है वहाँ पर। और जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ना चिमनिया, वो रेयन की जो रेयन फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री की चिमनिया है। तो बड़ा सा थांबला देख रहे हो ना, थांबला ही बोलते हैं क्या हिंदी में, वहाँ पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराता था, और अभी तेज पवन के कारण वो उतार लिया गया है। तो फिर चलिए, फिलहाल तो ये था मेरा फर्स्ट ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, साथ ही साथ नीचे जो लाल बटन दिया हुआ है ना सब्सक्राइब का, उस
बॉक्स पर दबा के बाजू में दिखाई गया बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी जो नई वीडियो आएगी अब अगली वो आपको सबसे पहले मिल सके। इसीलिए तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करता हूँ और फिर कभी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।